आरएसएस की मुस्लिम विंग मुस्लिम राष्ट्र मंच ने प्रदेश में भी अपनी कार्यकारिणी का विस्तार किया है। रविवार को मुस्लिम राष्ट्र मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष कल्लू अंसारी ने राजधानी भोपाल में संघ प्रमुख मोहन भगवत की सहमति से कार्यकारिणी का विस्तार किया, जिसमें सऊद उर्फ अर्शव वरदान को राष्ट्रीय सह संयोजक बनाया गया। जिम्मेदारी मिलने के बाद राजधानी में राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के अन्य पदाधिकारियों ने नवनियुक्त सह संयोजक का हार फूल व मिठाई खिलाकर स्वागत किया। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष कल्लू अंसारी ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस राष्ट्रवादी सोच के साथ मुस्लिमों को जोड़ने की पहल कर रहा है। उन्होंने कहा, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच लगातार देश व आसपास के पड़ोसी मुल्कों में शरणार्थियों और अल्पसंख्यकों के साथ हो रही समस्याओं को लेकर चिंतित है। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा में मुस्लिमों के साथ हो रहे अत्याचार पर भी संघ ने अपनी चिंता जाहिर की है और जल्द ही आरोपियों पर कार्यवाही करने की मांग को लेकर संघ रणनीति को तैयार करने में जुटा हुआ है। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। भाई को पद हमने बहुत सोच समझ के दिया है, क्योंकि इन्होंने काफी सोशल वर्क करा है भोपाल मध्य प्रदेश में, पार्टी के लिए कई वक्त से काम कर रहे हैं। तो हमने ये सोचा कि भाई तारिक भाई हमारे साथ जुड़ के इस जब सोशल वर्क करते हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं, तो इनको कल्लू भाई अंसारी साहब की सहमति के साथ हमने इनको चुना है और हमें पूरी इनसे उम्मीदें हैं कि ये इस पूरी उम्मीद पे खरे उतरेंगे। मुस्लिम राष्ट्र मंच के तहत सूफी संत मलंग संगठन की स्थापना 4 जुलाई 1921 में माननीय मोहन भागवत जी, माननीय इंद्रेश कुमार जी, माननीय रामलाल जी और माननीय कृष्ण गोपाल जी, जो आरएसएस के प्रमुख अंग हैं, उनके द्वारा मेवाड़ इंस्टीट्यूट गाजियाबाद के अंदर मुझे सूफी संत बलंग का राष्ट्रीय संयोजक और अध्यक्ष बनाया गया था। प्राय के अंदर जो हो रहा है वो क्रिया की प्रतिक्रिया है, जैसे कि वहाँ बांग्लादेश के अंदर जो हुआ या ढाका में जो हुआ या कश्मीर में जो हुआ, तो जिस समाज के साथ में जो कुछ होता है कहीं भी, तो उस समाज में कुछ 2-4% लोग ऐसे होते हैं जो उनका शैतानी मूड में आकर के और उस काम को करते हैं, लेकिन इसकी परमिशन ना हमारा देश देता, ना हमारे देश के प्रशासनिक लोग देते, ना हमारा संविधान देता। उसके लिए राष्ट्र मंच क्या कर रहा है? उसके लिए राष्ट्र मंच ने मेरी तो क्या मजा रहा, लेकिन मेरे जो बॉस हैं आरएसएस की मोहन भागवत जी, उन्होंने इतनी बड़ी बात करी कि जहाँ मुसलमान यहीं का मूल निवासी है, इसका डीएनए हिंदू मुसलमानों का एक ही है, इनके मजहब जरूर उनके बदले हुए हैं लेकिन इनके पुरखे एक ही हैं और इसी देश के मूल निवासी हैं और इसी देश में इनको रहना है, इसी देश में इनको मरना है, ये बहुत बड़ी बात। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।